हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? और अभी बहुत सर्दी चल रही है तो मैंने ये टोपी पहनी हुई है। तो एक्चुअली हम लोग वो बिग बॉस के बारे में बात करने वाले थे। कल शुक्रवार का वार में सलमान ने साजिद को कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, तुम तो शिव और नम्रित के साथ भी बहुत मतलब अपना गेम खेल रहे हो। वो लोग बेचारे इसको कुछ बोलते नहीं, क्योंकि एज अ रेस्पेक्ट कुछ नहीं बोलते ये दोनों। कल भी शिव कुछ नहीं बोल रहा था, उसका मुंह बस एकदम सील था। निम्रित थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, पर वो हंस हंस के मतलब कि हाँ मैं ज्यादा बुरी ना दिखूँ, तो साजिद के सामने थोड़ा ऐसे थी कि भाई यार उसे बुरा ना लगे। पता नहीं वो रेस्पेक्ट है या पता नहीं क्या बात है कि वो लोग डरते हैं इतना साजिद से। बट वैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बोलूँ ना, तो मुझे लगता है कि साजिद का नेचर है सबके साथ दोस्ती बना के रखने का, कि उसे लगता है कि घर में ज्यादा झगड़े ना हो, मतलब लड़े नहीं सब एक दूसरे के साथ। क्योंकि देखो अर्चना के साथ भी उनका झगड़ा हुआ था, पर अर्चना के साथ भी अर्चना ने कितनी कितनी बुरी बुरी बातें की थी, साजिद ने भी कहा था, लेकिन ही ट्राई टू कि मतलब रिजॉल्व कर दूं मैं कैसे भी जाके, मतलब मैं इतना बड़ा हूँ, इतना रेस्पेक्टेड आदमी हूँ इंडस्ट्री में, तब भी मैं जाके एक बार बात कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि साजिद का वो नेचर ही है। हाँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक ही बिकम्स पार्शियल टू अंकित और सुम्बुल, कि भाई यार मुझे ये वोट भी मिल जाएंगे, इन दोनों के वोट भी मिल जाएंगे, और उस टाइम निमरित और शिव या स्टैन या अब्दू भी प्रायोरिटी में नहीं रहते। तो ऐसा होता है कि भाई मैं इन लोगों का भी वोट ले लूँ, अंकित का भी ले लूँ। फिर अंकित ने इसीलिए उसको वो कमरा दे दिया था, वो सेफ हो गए थे। और खाना बनाना तो आता नहीं था साजिद को, तब भी सेलेक्ट किया था वो खाना बनाने के उस चीज के लिए। तो मतलब फेवर मिलता है क्योंकि वो थोड़े अच्छे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो नाटक करे, पर जो मुझे दिखता है एज अ व्यूअर, आई फील कि उनका नेचर ही है कि सबसे अच्छा बात करे, और बड़े हैं आदमी तो थोड़ा मतलब घर में शांति बने रहे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप भी जरूर बताना कि आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है बिग बॉस से। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।